बिस्मान असला क्लास नाइथ से होंगे आज हम लोग क्लास की के मैथरसाइज फाइव के क्वेश्चन नंबर सिक्स को सोल्व करेंगे का जो पार्ट कर में आप वहां से देख सकते हैं अब हम लोग इसका पार्ट टू सोल्व करते हैं पार्ट टू हमारे पास है डी ए का इन इज इक्वल टू ए इन डी इन हम लोगों ने इसे वेरीफाई करना है डी और ए की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की जानव चलते हैं डी और ए फाइंड आउट कर लेंगे कैसे डी की जगह पे डी की वैल्यू पुट करेंगे क्या दी गई है थ्री वन माइनस टू टू और ए की जगह पे की वैल्यू पुट करें क्या फोर जीरो माइनस वन टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर एडिशन का साइन वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन अब फर्स्ट रो को सैकंड कॉलम से करें थ्री मल्टीप्लाई बाय जीरो एडिशन का साइन वन मल्टीप्लाई बाय टू अब सैकड़ रो को फर्स्ट कॉलम से करें माइनस टू मल्टीप्लाई बाय फोर एडिशन का साइन टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन अब सैकड़ रो को सैकड़ कॉलम से करें माइनस टू मल्टीप्लाई बाय जीरो एडिशन का साइन और टू मल्टीप्लाई बाय टू थ्री को फोर से मल्टीप्लाई करें ट्वेल्व प्लस माइनस माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करें तो वन थ्री को जीरो से मल्टीप्लाई करें जीरो प्लस टू को वन से मल्टीप्लाई किया टू टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एट ये वाला नेगेटिव साइन प्लस माइनस माइनस टू को वन से मल्टीप्लाई करें तो टू टू को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो प्लस टू को टू से मल्टीप्लाई किया तो फोर ओके हो गया तो ट्वेल्व में वन माइनस किया तो इलेवन जीरो में टू ऐड करेंगे टू ये भी माइनस का है ये भी माइनस का साइन माइनस का आ जाएगा एट में टू ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा टेन अब जीरो में फोर ऐड करेंगे तो फोर ये हमारे पास क्या आ जाएगा डी ए तो डी ए का इनवर्स फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है हमारे पास इनवर्स फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है एट ऑफ डी ए डिवाइडेड बाई डी ए का डिटर्मिनेंट तो डी ए हमारे पास ये है सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं डीए का जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे क्या करेंगे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे इलेवन टू माइनस टेन और फोर डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं यानी कि इलेवन को मल्टीप्लाई कर देंगे फोर के साथ मिड में नेगेटिव साइन फिर इस माइनस टेन को मल्टीप्लाई कर देंगे टू के साथ तो इलेवन को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी फोर माइनस माइनस प्लस टेन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी आ जाएगा और जब फोर्टी फोर में ट्वेंटी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास सिक्सटी फोर यह आ जाएगा हमारे पास डीए का डिटर्मिनेंट डीए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है सिक्सटी फोर अब हम लोगों ने क्या करना है डीए का अर्जाइंट फाइंड करना है अर्जाइट फाइंड करेंगे अब हम लोग तो नीचे सबसे पहले यहां पर डीए की वैल्यू पुट कर लेते हैं क्या करेंगे यहां पर पहले डीए की वैल्यू क्या ये वाली है डीए की वैल्यू पुट करें डीए किसके हमारे पास आया इलेवन टू माइनस टेन और फोर अब जब हम लोग अर्जाइंट ऑफ डी ए फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे इन दो वैल्यूज की प्लेस चेंज कर देंगे फोर ऊपर चला जाएगा इलेवन नीचे और इन दो वैल्यूज का साइन चेंज करेंगे टू पॉजिटिव है तो नेगेटिव टू हो जाएगा और टेन नेगेटिव है तो पॉजिटिव टेन हो जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा एडजाइंट ऑफ डी ए और डी ए कैन वर्थ फाइंड आउट करना उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है ऑफ ऑफ डी डिवाइडेड बाय का का तो पुट करें क्या हमारे पास ये फोर माइनस टू टेन और इलेवन इसको किस पे डिवाइड करना है डीए के डिटर्मिनेंट पर डीए के डिटर्मिनेंट पर और डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है सिक्सटी फोर इसको सिक्सटी फोर पे हम लोगों ने डिवाइड कर देना यानी कि फोर को डिवाइड कर देना सिक्सटी फोर पे माइनस टू डिवाइडेड बाय सिक्सटी फोर टेन डिवाइडेड बाय सिक्सटी फोर और लास्ट पे इलेवन डिवाइडेड बाय सिक्सा से सोल्व करते हैं फोर डिवाइडेड बाय 64 है ना तो फोर वन फोर और यहाँ पर भी फोर वन फोर और सिक्स इधर चला जाएगा ट्वेंटी फोर हो जाएगा और जब ट्वेंटी फोर किस कहाँ आता है फोर सिक्स आर ट्वेंटी फोर होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऊपर वन और नीचे सिक्सटीन तो इधर हम लोग पुट कर सकते हैं इसकी जगह पे वन बाय सिक्सटीन ओके हो गया और ये भी टू वन आर टू 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 थ्री झा सिक्स और टू टू झा फोर यानी नीचे थर्टी टू ऊपर वन वन बाय थर्टी टू और ये वाला नेगेटिव साइन एज इट यहाँ पर टेन बाय सिक्सटी फोर भी एज इट आ जाएगा और ये इलेवन बाय सिक्सटी फोर भी एज इट आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा डी ए का इनवर्स यानी yani, ये हमारे पास आ जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड अब हम लोग इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं इसकी जो राइट हैंड साइड है वो है ए इनवर्स और डी इनवर्स और क्वेश्चन में ए और डी की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ डी ए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट ठीक है इसी तरह हम लोगों ने डी इनवर्स फाइंड करना होगा तो उसका फॉर्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी का डिटरमिनेंट तो सबसे पहले हम यहां पर ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं ए का डिटर्मिनेंट क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर मल्टीप्लाई बाई टू मिड में क्या आएगा नेगेटिव साइन और फिर माइनस वन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग जीरो के साथ तो फोर को टू से मल्टीप्लाई करें एट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा एट अब एट का ए का डिटर्मिनेंट आ गया अब क्या करेंगे एट का ए का अर्जाइंट फाइंड आउट करेंगे तो अर्जाइंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे ये जो हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं ये हमारे पास ये दिया गया है जब हम लोग इसका कार्ड फाइंड आउट करेंगे तो ये जो दो तो वैल्यू है इनका प्लेस चेंज हो जाएगी यानी टू ऊपर चला जाएगा और फोर नीचे आ जाएगा और इन वैल्यूज के साथ साइन चेंज हो जाएगा जीरो के साथ कोई भी साइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता और यहाँ नेगेटिव वन है तो जब इसका कार्ड लेंगे तो पॉजिटिव वन हो जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा ज्वाइंट जाएग ऑफ ए तो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है ए इनवर्स ए इनवर्स के लिए क्या करना है ऊपर अर्जाइट ऑफ ए की वैल्यू पुट करनी है और नीचे ए का डिटर्मिनेंट अर्जाइटो फे हमारे पास क्या दिया गया ये यहां पर अरजाइटो फे पुट करें टू जीरो वन फोर इसको किस पे डिवाइड करना है ए के डिटर्मिनेंट पर और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है एट यानी के हम लोग टू डिवाइडेड बाय एट करेंगे जीरो डिवाइडेड बाय एट फिर वन डिवाइडेड बाय एट और लास्ट पे है फोर डिवाइडेड बाय एट ओके हो गया टू वन जार टू टू फोर झा एट ओके हो गया और ये जब जीरो पे इसका ये इधर आ जाएगा वन बाय फोर ये वाला वन बाय एट एज इट जीरो को जब एट पे डिवाइड करेंगे जीरो आ जाएगा और ये फोर वन झार फोर फोर टू झा एट यानी ऊपर वन और नीचे टू ये हमारे पास आ जाएगा इसका ए इनवर्स अब हम लोग डी इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो डी इनवर्स के लिए सबसे पहले डी का डिटर्मिनेंट लेंगे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे थ्री मल्टीप्लाई बाय टू हो जाएगा नेगेटिव साइन फिर माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइन वन हो जाएगा वो क्या हो गया थ्री को टू से मल्टीप्लाई किया सिक्स माइनस माइनस प्लस टू को वन से मल्टीप्लाई करें तो टू सिक्स में टू ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा एट यानी कि जो डी का डिटर्मिनेट वो हमारे पास एट आ गया अब क्या करना है हम लोगों ने अर्जाइट ऑफ डी फाइंड आउट करना है तो अर्जाइट ऑफ डी कैसे फाइंड आउट करेंगे एड ऑफ डी आउट करने के लिए ये जो डी की वैल्यूज दी गई है इसमें से इन वैल्यूज की जो है वो प्लेस चेंज हो जाएगी टू ऊपर चला जाएगा और थ्री नीचे आ जाएगा और इन वैल्यू के साथ साइन चेंज होगा यानी कि जैसे पॉजिटिव वन है तो जब अर्जाइंट लेंगे तो नेगेटिव वन ये नेगेटिव टू है तो जब अर्जाइंट लेंगे तो पॉजिटिव टू हो जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा अर्जाइंट ऑफ डी तो हम लोगों ने डी का इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए थी एक तो जाइंट ऑफ डी जो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया और दूसरा डी का डिटर्मिनेंट वो भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया तो अब इस वैल्यूज को इन, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं कैसे पुट करेंगे डी इनवर्स इज इक्वल टू अडजाइंट ऑफ डी की जब आप इसकी वैल्यू पुट करें क्या है टू माइनस वन टू थ्री डिवाइडेड बाय डी के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करना डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है एट यानी कि जो डी का इन्वर्स उसमें टू डिवाइडेड बाई एट करेंगे फिर माइनस वन डिवाइडेड बाय एट फिर टू डिवाइडेड बाई एट और लास्ट पे थ्री डिवाइडेड बाय एट ओके हो गया ये जो टू है टू वन जार टू और टू टू फोर जट यानी नीचे हमारे पास आ जाएगा वन बाय फोर और ये माइनस वन बाय एट एज इट आ जाएगा ये भी टू वन जार टू टू फोर झा एट वन बाय फोर और ये थ्री बाई एट एज इट ये हमारे पास आ जाएगा डी इनवर्स ओके हो गया अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी ए इनवर्स और डी इनवर्स ठीक है तो ए इनवर्स की जहां पे ए इनवर्स की वैल्यू पुट करते हैं क्या हमारे पास वन बाय फोर जीरो वन बाय एट वन बाय टू और डी इनवर्स की जहां पे डी इनवर्स की वैल्यू पुट करते हैं वन बाय फोर वन बाय फोर माइनस वन बाय एट और लास्ट पे थ्री बाय एट अब क्या करेंगे इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि ए इनवर्स और डी इनवर्स की जो वैल्यूज आई उनको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं वन बाय फोर को मल्टीप्लाई करेंगे इस वन बाय फोर के साथ मिड में एडिशन का साइन फिर जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे वन बाय फोर के साथ अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि वन बाय फोर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले माइनस वन बाय एट के साथ मिड में एडिशन का साइन और फिर जीरो को मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री बाय एट के साथ अब क्या करेंगे अब सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड कॉलम यानी कि वन बाय एट को मल्टीप्लाई करेंगे वन बाय फोर के साथ मिड में एडिशन का साइन और फिर वन बाय टू को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वन बाय फोर के साथ अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करें वन बाय एट को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन बाई एट के साथ मिड में एडिशन का साइन और वन बाय टू को मल्टीप्लाई कर देंगे वन बाय थ्री थ्री बाय एट के साथ 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वन फोर को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटीन आ जाएगा एडिशन का साइन जब जी वन बाय फोर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा वन को वन से मल्टीप्लाई किया वन ये वाला नेगेटिव साइन एट को फोर से मल्टीप्लाई करें तो थर्टी टू प्लस जब थ्री बाई एट को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा उसके बाद वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन एट को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी टू ये वाला एडिशन का साइन वन को वन से मल्टीप्लाई किया वन फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट आ जाए अब फिर इस वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन एट को एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटी फोर ये वाला नेगेटिव साइन उसके बाद ये एडिशन का साइन और वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री और नीचे एट को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटीन वन बाय सिक्सटीन एज इट आ जाएगा उसके बाद ये माइनस वन बाय थर्टी टू इसको हम हमहैदा से सोल्व करते हैं क्या वन बाय थर्टी टू प्लस वन बाय एट इसका एल्शियम लेते हैं वन बाय थर्टी टू प्लस वन बाय एट का जब एल्शियम लेंगे तो थर्टी टू और एट टू के टेबल पे हो 2, 2, 2, 16 32 और है टू 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 सिक्सटीन सा थर्टी टू और टू फोर सा एट फिर उसके बाद टू को एट से मल्टीप्लाई करें टू एट झा सिक्सटीन और टू टू झा फोर टू फोर झा एट टू वन झा टू फिर टू के टेबल पे जा रहा है टू टू झा फोर और फिर लास्ट पे टू वन झा टू इसको मल्टीप्लाई कर लें टू टू झा फोर फोर को टू से मल्टीप्लाई करें तो एट एट को टू से मल्टीप्लाई करें सिक्सटीन और सिक्सटीन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी टू यानी वन बाय थर्टी टू प्लस वन बाई एट का जो एल्सम आ रहा है वो क्या आ रहा है थर्टी टू अब जो एल्सियम लेते हैं उसे नीचे पे डिवाइड करते हैं यानी थर्टी टू को जब थर्टी टू पे डिवाइड करेंगे कटिंग ओके वन वन को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा वन ये प्लस का साइन उसके बाद इस थर्टी टू को अब इस एट पे डिवाइड करें तो क्या आएगा एट वन झा एट और एट फोर झा थर्टी टू तो क्या आ जाएगा फोर फोर को जब ऊपर वाले वन से मल्टीप्लाई करेंगे फोर अब फोर में वन ऐड करें फाइव और नीचे क्या आ रहा है थर्टी टू यानी कि अब हम लोग इस वैल्यू की जगह पे वन बाय थर्टी टू प्लस वन बाय एट की जगह पे लिख सकते हैं फाइव डिवाइडेड बाय थर्टी टू यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइव डिवाइडेड बाय थर्टी टू इसी तरह अब हम लोग इसका एल्शियम ले, ले लेते हैं माइनस वन सिक्सटी फोर और प्लस थ्री बाय सिक्सटीन इसका हम लोग एल्शियम लेते क्या आएगा सिक्सटी फोर और सिक्सटीन का एल्शियम लेंगे टू के टेबल पे जा रहा टू थर्टी टू झास्टी फोर और टू एट सिक्सटीन उसके बाद टू सिक्सटीन जा थर्टी टू और टू फोर जा एट उसके बाद टू एट जा सिक्सटीन टू टू जा फोर फिर लास्ट पे टू फोर जा एट टू वन जा टू और लास्ट पे आ रहा है फिर टू पे जा रहा है टू टू जा फोर वन और टू वन जा टू अब इन्हें मल्टीप्लाई करें टू टू झा कितना होता है फोर टू टू झा फोर टू टू झा फोर फोर टाइम थ्री टाइम फोर आ गया अब फोर को फोर से मल्टीप्लाई करें तो सिक्सटीन अब 16 फोर को फोर से मल्टीप्लाई किया सिक्सटीन और सिक्सटीन को जब फोर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा सिक्सटी फोर यानी कि इनका जो एल्शम हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है सिक्सटी फोर अब इस सिक्सटी फोर को इस सिक्सटी फोर पे डिवाइड करेंगे तो कटिंग होके क्या आ जाएगा वन वन को ऊपर वाले वन से जब मल्टीप्लाई करेंगे वन और ये वाला नेगेटिव साइन अब ये एडिशन का साइन अभी इस सिक्सटी फोर को इस सिक्सटीन पे डिवाइड करना है सिक्सटी फोर को सिक्सटीन पे हम लोगों ने डिवाइड करना है सिक्सटीन वन सान और सिक्सटीन को जब फोर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है सिक्सटी फोर यानी कि सिक्सटीन को हम जब हम लोग फोर से मल्टीप्लाई करेंगे फोर को सिक्स से मल्टीप्लाई करें क्या आता है ट्वेंटी फोर फोर टू कैरी हो जाएगा फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे फोर और टू ये वाला तो सिक्स तो सिक्सटी फोर तो इस सिक्सटी फोर कटिंग होके फोर फोर को जब इस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा ट्वेल्व और इलेवन में से ट्वेल्व में से वन माइनस किया तो इलेवन और बड़े वाली वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है इसलिए पॉजिटिव इलेवन डिवाइडेड बाय सिक्सटी फोर यानी कि जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आता है सिक्सटी फोर इलेवन बाई सिक्सटी फोर तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इलेवन बाई सिक्सटी फोर तो ये जो हमारे पास आया है क्या है ए इन वर्स और डी इन वर्स वो किसके इक्वल आ गए माइनस वन बाय थर्टी टू फाइव बाय थर्टी टू और लास्ट पे इलेवन बाय सिक्सटी फोर ये हमारे पास आ गई इसकी राइट हैंड साइड ओके हो गया अब हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं कि वो राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं अब देखें ये जो हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आई है ये वो क्या है वन बाय सिक्सटीन है माइनस वन बाय थर्टी टू अच्छा ये जो है ये टेन और सिक्सटीन ये हमारे पास टू के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं ना जैसे ये देखें टेन डिवाइडेड बाय सिक्सटी फोर है तो टू फाइव टाइम क्या होगा टेन uh, और टू को जब फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे टेन और टू को जब थर्टी टू से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा सिक्सटी फोर यानी इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं फाइव डिवाइडेड बाय थर्टी टू तो जो डी ए का इनवर्स है वो हमारे पास क्या आ रहा है वन बाय सिक्सटीन माइनस वन बाय थर्टी टू और यहां पर आ जाएगा फाइव डिवाइडेड बाय थर्टी टू और लास्ट पे इलेवन बाय सिक्सटी फोर ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है अब देखें ये जो हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आई है और ये जो हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आई है वो दोनों सेम है फर्स्ट वैल्यू क्या है वन बाय सिक्सटीन वन बाय सिक्सटीन माइनस वन बाय थर्टी टू माइनस वन बाय थर्टी टू फाइव बाई थर्टी टू फाइव बाई थर्टी टू और लास्ट में इलेवन बायी फोर और इस पे भी इलेवन बाई सिक्सटी फोर यानी ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है प्रूव्ड क्या प्रूव हुआ है हमारे पास के जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन के तमाम पॉइंट्स की समझ आई होगी अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू अल्लाह हाफिज